हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जनशक्ति, सभी एआईसीसी के पदाधिकारीगण, एमपीस और प्रेस के बंधु, मैं जो है आर्मड कोर में, आर्मी में मैंने 8 साल नौकरी करी है और बताना चाहूँगा कि हमारी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है। जो शॉर्ट सर्विसेज है के लोगों की जो ट्रेनिंग होती है 9 साल होती है और जो हमारे नॉर्मल जो सैनिक हैं उनकी भर्ती 1 साल होती है और उसमें उनको दिया जाता है कि 15 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं और 15 साल तक स्वेच्छा से आप नौकरी छोड़ेंगे, उसमें उनको पेंशन भी मिलती है, सारे बेनिफिट मिलते हैं। आर्मी ऑफिसर्स को 20 साल तक का के बाद पेंशन मिलती है। लेकिन मुझे बड़ा ताजुब है कि पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है, हमारे नौजवान धक्के खाते फिर रहे हैं, एकेडमी वाले उनको जगह जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उनको जो है एकेडमी में कितना पैसा लोग लेते हैं आपको मालूम है। लेकिन मैं आज के दिन तीनों आर्म्स के अंदर करीबन 2 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और उसके लिए सरकार ने जो ये स्कीम निकाली है अग्निपथ, इसमें मात्र केवल 4 साल के लिए लेने की बात है, जिसमें से 6 महीने इनको ट्रेनिंग में लग जाएंगे, केवल 3.5 साल रहेंगे। जब 3.5 साल रहेंगे आप उनको बॉर्डर पे भी भेजेंगे, आप उनको कहाँ भेजते हैं, जो हमारी सीक्रेट इंस्टॉलेशन है, एयरफील्ड्स हैं, हमारे एम्युनिशन डिपोज हैं, हमारे जितने भी हमारी जो बॉर्डर्स की जितनी भी सिक्योरिटी है वहाँ पर उनको पोस्टिंग करेंगे और 4 साल के बाद आप कह देंगे कि 25% आप रखेंगे, बाकी वो घर भेज देंगे, ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना उनको कोई हेल्थ की फैसिलिटी मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि जो हमारा जवान है उसका जो भविष्य वो अंधकारमय है। जो व्यक्ति फौज में, हमारे यहाँ हरियाणा में, पंजाब में जो फौज में व्यक्ति जाता है वो देश सेवा के लिए जाता है और वो इस मातृभूमि के ऊपर अपनी हथेली पर जान लेके जाता है और वो समझता है कि उसका जो भविष्य है वो जो है, इनका मकसद था देने का 1 रैंक 1 पेंशन, अब 9 रैंक 9 पेंशन, यानी कोई भी 4 साल में ना उनको कोई रैंक मिलेगा, ना उनको कोई पेंशन मिलेगी, ना उनको हेल्थ के लिए कोई चीज मिलेगा। कहने का मकसद यह है कि उनका जो जीवन है वो अंधकार में है। आज देश पूरा जल रहा है, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, साउथ में, हरियाणा, पंजाब, सब जगह यूथ जो है लामबंद है। ये किसी के उकसाने से नहीं हुआ है। जो नौजवान है वो बहुत ही इस बात से दुखी है, कुंठित है, क्योंकि उनको लगा है कि उनका भविष्य जो है अंधकार में होगा। मेरा केवल एक ही बात कहने की बात है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि लॉकडाउन से नुकसान होगा, नुकसान हुआ। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से होगा तो नुकसान होगा। उन्होंने ये कहा था कृषि बिल लेके आओगे तो नुकसान होगा और आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर आप अग्निपथ योजना लेके आएंगे तो हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे फौज के भाई हैं, उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो जो बात हम पार्टी कहती है उसका कोई एक संदेश होता है और मैं समझता हूँ आज जो हमारे हाईकमांड के लोगों ने, खासतौर से मुझे फख्र है कि मैंने फौज में काम किया, मुझे इस बात का फख्र होता है कि मैं एक उस सेना का अधिकारी हूँ रहा जिसकी वजह से हमारा देश आज अखंड भारत है, उसकी वजह से हमारा देश आज सुरक्षित है। उस देश के फौज के साथ ये और तीनों फोर्सेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस योजना को वापस लेगी और हमारा एक ही संकल्प है कि हम युवा लोगों के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि इस योजना को वापस लेंगे ताकि हमारे जो नौजवान हैं, जो भर्ती हो, उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनकी अगर शादी हो जाती है अपने बच्चों को पाल सके, उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिले, ये मैं चाहता हूँ, ये मैं कहने आया था। मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों के साथ हूँ, खड़ा रहूंगा और मैं समझता हूँ कि कुर्बानी जो है हम कभी भूल नहीं सकते हैं। धन्यवाद सभी का, सभी को राम राम।